एरिक स्टीवंस 19 साल की उम्र में अफगानिस्तान भेज दिया गया जहां इसने अंधाधुंध मारकाट की जैसे कोई वीडियो गेम। इसका नाम पड़ा किलमोंगर। ये लोग बेहद खतरनाक हैं। टीवी पर पहली बार मार्वल स्टूडियोज ब्लैक पैंथर 10 मार्च दोपहर 12 बजे स्टॉक गोल्ड पर। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के अपडेट के बारे में, जिसमें कि एवेंजर एंड गेम का अपडेट है, कैप्टन मार्वल का अपडेट है, वेनम का अपडेट है, और उसके बाद कैप्टन मार्वल 2 का अपडेट है, और देन उसके साथ डीसी का अपडेट है रिवर्स ऑफ पेरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट है डीसी की अपकमिंग मूवी वर्ड्स ऑफ पेरी। तो अभी हाल ही में बिहाइंड द सीन इमेजेस रिलीज हुए हैं, जिसको कहते हैं सेट फुटेज। तो सेट फुटेज में सबसे पहले तीन चीजें पता चलती है, जिसमें कि कॉस्ट्यूम। तो हार्ली क्विन पे एक नया कॉस्ट्यूम होगा गोल्डन टाइप का, जो कि काफी कमाल का होगा। देन उसके बाद इसमें एक स्टंट होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे उनकी कमर पे सारी केबल बंध रही है। देन अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल से रिलेटेड। तो फाइनली एवेंजर एंड गेम में अभी हाल ही में दो कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुए हैं, जो कि एवेंजर एंड गेम में एक चीज रिवील्ड करती है कि कैप्टन अमेरिका और हमारे आयरन मैन कैप्टन मार्वल को फॉलो करेंगे एवेंजर एंड गेम में। यानी कि कैप्टन मार्वल एक लीड रोल प्ले करने वाली है इसमें, एक महत्वपूर्ण रोल, जिससे कि वो सारे एवेंजर को एक साथ इकट्ठा करेंगी और लीड करेंगी किसको क्या करना है। देन उसके बाद अगला अपडेट एवेंजर एंड गेम से रिलेटिव और कैप्टन मार्वल से रिलेटिव। तो पॉसिबिलिटी, अगर निक फ्यूरी हमें दिखे कभी भी कैप्टन मार्वल मूवी में किसी भी सीन में, तो कोई ना कोई एक स्कल्स हो सकता है। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट आर्ट से ये पता चलता है। और फाइनली वेनम 2 में एक डायरेक्टर सर्च करा जा रहा है, क्योंकि पुराने डायरेक्टर से वो पिक्चर नहीं बनवा रहे हैं। उसके बाद अगला अपडेट है एवेंजर एंड गेम से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में एवेंजर एंड गेम के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, जो कि मूवी थिएटर्स के थे, यानी कि मर्चेंडाइज। तो इसमें हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि पॉपकॉर्न खाने का और कुछ काफ़ी सारी टिकट्स में, जिसमें कि उनके सूट रिबिल्ड करे गए हैं, तो काउंटर रैम। तो पॉसिबिलिटी, जितने भी हमें अभी तक जो कॉन्सेप्ट आर्ट जो लोगों दिखाई जा रहे हैं, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एवेंजर एंड गेम में हर एक कैरेक्टर में काउंटर रैम सूट होगा, जिसमें कि आयरन मैन का, हल्क का, सबके अलग अलग सूट होने वाले हैं, और जो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। तो ये अपडेट हम काफ़ी टाइम से पहले देते आ रहे हैं, और आज भी नई नई चीज़ें हमारे पास मिलती जा रही हैं। और देन फंको लॉन्च हुआ, जिसमें कि वो सारे कैरेक्टर पीछे की तरफ दिखाई गई हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक अपडेट दिया था, पर आज के टाइम में वो चीज़ें क्लियर हो गई। और एक आर्ट जिसमें ये है कि नेबुला के पास भी एक क्वार्टर रिम सूट होगा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। और नेक्स्ट अपडेट है काफ़ी कमाल का, वो है कैप्टन मार्वल 2 से रिलेटेड। तो फाइनली केविन फाइगी ने ये कंफर्म कर दिया कि मेरे पे कैप्टन मार्वल 2 के लिए काफ़ी बेहतरीन और अमेजिंग आइडिया है। तो उन्होंने ऐसा कुछ अभी हाल ही में रिवील नहीं करा है, पर इन फ्यूचर क्या होता है वो आगे पता चलेगा। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।